पहुंचे अखिलेश यादव के साथ फोटो खिंचवाना अब्दुल्ला आजम के दोस्तों को भारी पड़ गया। पुलिस ने एक पुराने मामले में अब्दुल्ला आजम के करीबी दोस्तों अनवर और सालिम को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद रामपुर के सियासी गलियारे में घमासान मचा है। पुलिस की कार्रवाई के विरोध में सपा नेता और कार्यकर्ता रामपुर पुलिस अधीक्षक के बंगले पर जमा हो गए। गिरफ्तार किए गए युवकों को छोड़ने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की और धरने पर बैठ गए। हालांकि अपर पुलिस अधीक्षक के आश्वासन के बाद धरने से उठ गए। पुलिस गिरफ्तार किए गए युवकों से फिलहाल पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि 2 महीने पहले कुछ युवकों का जुआ खेलते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें नजर आ रहे अनवर और सालिम समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम के बेहद करीबी बताए जाते हैं। 2 दिन पहले अखिलेश यादव जब आजम खान से मिलने दिल्ली गए तो वहाँ खींची गयी तस्वीर में दोनों युवक भी दिखे। इसके बाद पुलिस एक्टिव हो गयी और दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। विरोध कर रही महिलाओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने आरोपियों के घरों में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट और बदसलूकी की है। हम सबसे यही कहने के लिए आए कि कल कुछ महिलाओं को पुलिस ले गई थी उठाकर, और वो रोने लगी कि हमें बुरखा ओढ़ने दीजिए, तो उन्हें बुरखा भी नहीं होने दीजिए, और जो महिलाएं थी उन्होंने उन्हें मारा और मार कर उनको ले गए कि चलो, जबकि उसमें महिलाओं का कोई कसूर नहीं है। औरत की इज्जत इस तरह उछाली जाएगी तो कैसे चलेगा। हमें तो 4.5 साल हो गए जुल्म झेलते झेलते, जुल्म की एक इंतहा होती है और अब हमारी इज्जत पर भी आंच आ गई है कि पुलिस मार कर लेकर आ रही है। जरा सोचने की बात है कि किसी घर में महिला नहीं है, हर एक की माँ महिला है, चाहे वो पुलिस हो या कोई भी हो, सबकी माँ घरों में होती है। क्या औरत की इज्जत इस तरह नीलाम की जाएगी? इसलिए जब औरत की इज्जत ही नहीं रही तो हम भी यहाँ बता रहे। उधर अपर पुलिस अधीक्षक ने मारपीट और पुलिस अत्याचार के आरोपों को खारिज किया है। सर, सिपाहियों का जो आरोप लग रहा है इतनी देर से कि महिलाओं को पीटा है, महिलाओं को मारा है, गिरफ्तारी महिलाओं को मारेगी पुलिस जो है, उस तो पुरुषों को भी नहीं मारती आज का। सर, ये जो दो लोग गिरफ्तार किए हैं ये अब्दुल्ला आजम के दोस्त हैं क्या? हाँ, दोस्त बताया जाए। सुबह पकड़े गए थे, जो युवक का वायरल हुआ था, 2 महीने से वांछित चल रहे लड़के सालिम और अनवर, उन्हीं को लेकर इन्हें आशंका थी कि गलत धारा न लगा दें और गलत तरीके से बंद कर। उन्होंने कहा है कि पहले से ही जुआ खेलते हुए एक युवक का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें ये 2 युवक भी थे। उसी मामले में दोनों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस फिलहाल जांच में जुटी है।